हे गाइस, मैं हूँ शिवेन और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कीबोर्ड पे किस तरीके से हमने काम करना है और जो टाइपिंग स्पीड है इंक्रीज़ कैसे होगी। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इस कीबोर्ड पे आप किस तरीके से आप अपने फिंगर्स को आप इस पर सेट रखना है और किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है और अपने माइंड में कहाँ पर कौन सी उंगली जाएगी और वो चीज़ सेट करना है। तो चलिए, मैं बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो गाइस, मैं अब आपको अपने कीबोर्ड पे लेके आया हूँ और सबसे पहले मैं कीबोर्ड के बारे में बता देता हूँ कि ये जो सेंटर वाली, ये जो ASDF वाली लाइन है, इसको होम रो कहते हैं। इससे ऊपर वाले लाइन को कहते हैं अपर रो, इसके नीचे वाली लाइन को कहते हैं बॉटम रो। ये तीन बॉटम रो, होम रो, सेंटर रो भी कह सकते हो इसको, और अपर रो भी कह अपर रो है ये, इसको अपर रो, टॉप रो भी कुछ कह सकते हो। और इससे ऊपर वाली जो रो है न्यूमेरिक रोज इसको कहते हैं, न्यूमेरिक की कहते हैं। और इससे ऊपर वाले जो सबसे टॉप पे होता है, ये फंक्शनल कीज़ होती है, फंक्शनल की कहते हैं इसको। और ये साइड वाले जो ये है इंडेक्स, सॉरी, इसको कहते हैं नंबर पैड, इसको हम नंबर पैड कहते हैं। देख लेते हैं कि जो हमारे पास पांच उंगलियां हैं, अब मैं बता देता हूँ, ये थंब है और इसका नाम इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर, और ये रिंग फिंगर, और ये लिटिल फिंगर। अब इसको हम किस तरीके से कीबोर्ड पे सेट करना है स्टार्टिंग में, सारा जो शुरू से लेकर लास्ट तक इसी के ऊपर सारा डिपेंड होगा। अब देखो, राइट हैंड का, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड का जो सबसे लिटिल वाला जो फिंगर है, इसको हम कहते रखेंगे सेमी कॉलन कीज पे, और राइट लेफ्ट वाले को हम रखेंगे ए पे, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, जैसे चार उंगली हैं तो चार कीबोर्ड पे ये आ गया, और ये जो थंब है ये जाएगा स्पेस पे, ठीक है, ये स्पेस पे ऐसे होगा। इस तरीके से हम इसको फिट रखेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे। कहीं पे भी कभी भी आपको टाइपिंग करनी हो, आपने इस तरीके से फिक्स करना है अपने कीबोर्ड पे अपनी उंगली को। अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी आपको टाइप करना है तो ये यहाँ से उंगली हटेगी नहीं, यहाँ से ऐसे कहीं पे 1 2 3, तो यहाँ से ये ऊपर वाले की पे करना है, कुछ टाइप वर्ड टाइप करना है तो आपको यहाँ से उंगली ऐसे ऊपर नीचे करना है। ये नहीं कि हम ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ऊपर से ऐसे ये जाएगा, नीचे नीचे ये चीज़ इस तरीके से। तो चलिए, मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम, जो लिटिल फिंगर है ASDF, ठीक है, देन स्पेस। लेफ्ट वाले से हम स्टार्ट किया तो लेफ्ट वाले से हम स्पेस क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट वाले पे आते हैं, सेमी कॉर्नर LKJ स्पेस, आपने ये करना है, ठीक है। देखो, अब शुरू करते हैं, ASDF स्पेस सेमी कॉर्नर LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमी कॉर्नर LKJ स्पेस। तो अब ये जो एक दो चार और दो चार और चार आठ जो कीवर्ड हो गए यहाँ से, इस तरीके से आपने ये प्रैक्टिस करनी है सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। और इसी पे आपने ये भी माइंड में रखना है कि हमारी जो उंगलियाँ हैं, ये छोटी उंगली, फिर ये बीच वाली रिंग फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये इस वाली उंगली पे ASDF, इस तरीके से अपन को याद करना है ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, एक बार फिर दोबारा से मैं बता दूं, स्टार्ट करते हैं, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। और चलिए, मैं डिस्प्ले पे भी आपको दिखा दूं ऐसे, ठीक है, मैं आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे करता हूँ, देखना आपने ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस, ठीक है।
आपने यही कॉपी यही करना है यहाँ तक, कम से कम पूरी कम से कम दो घंटे यही टाइप करना है आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आप कीबोर्ड पे आते हैं, चलिए कीबोर्ड पे अब आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से किया। अब ये दो कैपिटल दो लेटर बच गए, तो हमने इसको क्या करना है, अब लेफ्ट वाले से स्टार्ट करके F तक आ गए थे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, स्पेस नहीं करके हमने ये जो इंडेक्स फिंगर है ये हमने यहाँ से टाइप करना है ASDF और ये G, ठीक है, स्पेस सेमी कॉलन LKJH स्पेस ASDFG सेमी कॉलन LKJH स्पेस। तो अब हमारे पास ये पूरी जो सेंटर लाइन है, जो बीच की जो लाइन है, इसको होम लाइन कहते हैं। तो ये पूरी लाइन आपके पास हमने बताया है ये पूरी लाइन कैसे यूज करना है, मैं एक बार दोबारा से बता दूं शुरू से, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस, ठीक है, आपने ये पूरी लाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद ASDF G स्पेस सेमी कॉलन LKJH ये, तो ये हमारे पास पूरी लाइन आ गई है, ठीक है, एंटर करना। और यही आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए और ईजिली आप कर सको यहाँ पे। तो इस तरीके से उंगली करनी है रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो अपर कीज़ है उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।